तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे UK 11। आज पहली बार नंदा सेन में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन देवभूमि जन कल्याण नंदा सेन द्वारा किया गया है और आज का जो ब्लॉग है मेरा इस पे है। जो आयोजन हो रहा है वो माथर से नंदा सेन के लिए हो रहा है, तो निकलते हैं अभी वहाँ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट माथर में, जो कि चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। इन पहाड़ियों के बीच में देखिए सारे युवा तैयार गो होने के लिए, और ये गो हो चुका है और शरीर अपनी पूरी ताकत के साथ अपने हाफ मैराथन को पूरा करने के लिए भागने लगे हैं। देखिए कितना मनोहर है ये दृश्य। 2 अक्टूबर की यह सुबह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और ये बढ़ते हुए कदमों से सारे धावक भागते हुए देखिए पहाड़ी ये युवक कितना जोश है इनमें। ये पहाड़ ये दुर्गम क्षेत्र ही इनको पहाड़ी जैसा मजबूत बनाते हैं। देखिए कि इस रोड में इसकी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये युवक बिना किसी थकावट के भागते हुए, देखिए कितना दुर्गम क्षेत्र है, तभी तो पहाड़ी हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने में कामयाब होते हैं। और देखिए इनकी कदकाठी कितने मजबूत, शरीर पहाड़ जैसे शरीर, और उनके बढ़ते हुए कदम इन ऊंची पहाड़ियों पर कितना सुंदर नजारा, और बेहतरीन युवक ये भागते हुए। और देखिए यहाँ की आम जनता द्वारा, गांव वालों द्वारा इनको पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है रास्ते में, और इनसे प्रोत्साहित होकर ये युवक फिर से जोश से भर जाते हैं और फिर अपने कदमों को तेज करते हुए भागना शुरू करते हैं। ये युवक आने वाले समय में हमारे प्रदेश, हमारे देश के भविष्य है। ये फिनिशिंग लाइन, और फिनिशिंग लाइन में प्रथम युवक पहुंचता हुआ जिनका नाम है रविंदर सिंह, जो गोपेश्वर से हैं, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। और ये दूसरा युवक जो है कि राजीव जाखली से, और फिर उनके पीछे तृतीय स्थान पे जितिन जो नारायणगढ़ से हैं। देखिए चमोली गढ़वाल के, रुद्रप्रयाग के हर क्षेत्र से आए यहाँ युवक अपनी प्रतिभा को का कौशल दिखाते हुए चौथे स्थान पर प्रतिभा रुद्रप्रयाग से। देखिए बहुत इन्होंने ताकत लगाई और शायद थोड़े थक गए हैं। ये पांचवें स्थान पर संदीप पिंडवाणी से, और अगले आते हुए 2 छठवें पे आशीष गौचर से, और विक्रम जो वो भी कोच कर उसका भी कोच लेंगे। और प्रथम स्थान पर जो आए हैं रविंदर गोपेश्वर वाले 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि, द्वितीय स्थान पर ये है राजीव 3100 रुपये की प्रोत्साहन राशि, और तृतीय स्थान पर जितिन 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि उन्हें भेज दी थी। साथ में एक मोमेंटो और सर्टिफिकेट भी दिया गया उनके आने वाले भविष्य में यादगार स्वरूप। दोस्तों अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मजेदार वीडियो आगे देखने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।